हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। सुबह के बज चुके हैं 6 और बच्चे सो रहे हैं। दीक्षा और दिया सो रही हैं। राघव और उसके पापा गए हैं स्टेडियम में, जिम में। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग ही शेयर कर लूँ आप सबके साथ, तो मैं ब्लॉग शूट करने लगी साथ के साथ। पिछली बार मेरे कई सब्सक्राइबर के मैसेज आए थे, कमेंट आए थे मेरे पास कि आप ब्लॉग बनाया करो, ब्लॉग अच्छा बनाते हो। कई मेरे रिलेटिव हैं, उनके भी मैसेज आए थे, लेकिन मैंने ब्लॉग बंद कर दिए थे। लेकिन अब कोशिश करूँगी एक आधा ब्लॉग शेयर करूँ। ये देखो बारिश का मौसम था, तो इसीलिए सारा सामान ना कमरे में डालना पड़ता है। गेहूँ धोए थे, वो भी अंदर रखने पड़े। एक तसले में गेहूँ थे, एक में गोश्ते थे, तो वो भी अंदर रखने पड़े। देखो चूल्हा था वहाँ कोने में, चूल्हा है, वो भी रखना पड़ा, कहीं बारिश ना आ जाए और गीला ना हो जाए। तो अब करना है इस पे पानी गर्म, क्योंकि मैं तो ठंडे पानी में नहा नहीं सकती और बच्चे भी हल्का फुल्का सा गर्म लेते हैं। तो फिर आ गई थी मैं किचन में। देखो जी, ये है मेरा छोटा सा किचन, आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। तो अब करते हैं बच्चों का दूध गर्म। आप सभी देखने वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। और मैंने कैसा ब्लॉग बनाया है, अच्छा बनाया है, बुरा बनाया है, लाइक डिसलाइक वो आपकी मर्जी है। किचन के ही जो अभी छोटे मोटे काम बिखरे हैं उन्हें समेट लेती हूँ जल्दी जल्दी। ब्लॉग डालने से क्या होता है कि जैसे हम कोई सब्जी आज बना रहे हैं, तो किसी पड़ोसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसे ये पता चल जाता है कि आज हमने क्या सब्जी बनाई है। ब्लॉग में ये झमेला बहुत है कि घर की हर बात बताओ, आज तुमने ये सब्जी बनाई है, आज तुमने उस टाइम पे कपड़े धोए हैं, ये किया है, वो किया है। तो इसीलिए ब्लॉग थोड़े से अच्छे से इसलिए नहीं लगते। लेकिन मैं इतना ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ब्लॉग देखना अच्छा लगता है किसी की फैमिली का, या किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी तो दरवाजे पर पानी डालना मैं भूल गई थी, तो लेट नहीं हुई थी तो मैंने डाल दिया। आप में से कितनी ऐसी बहनें हैं जो सुबह उठकर अपने दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर पानी छिड़काव करती हैं? मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने के लिए तांबे का लोटा लेना चाहिए। मैंने स्टील का लिया हुआ है, मेरा तांबे का मिला नहीं था। उससे क्या होता है कि पति की जो तरक्की होती है उसमें बरकत होती है। तो अब मैंने दूध में मखाने डाल दिए थे, थोड़े से मखाने डाल के उबाल के तब मैं खाती हूँ, बच्चों को देती हूँ। और ये मलाई थी कई दिन की इकट्ठी हुई थी, और फिर कान्हा जी को भी नहीं उठाया था, भगवान भी सोए हुए थे, मंदिर में ही थे, तो उन्हें जगाने आ गई थी मैं। कान्हा जी उठ जाओ, ये कान्हा जी बैठ गए हैं। और ये है मेरे घर का छोटा सा मंदिर। ब्लॉग देखना किस किस को पसंद है बताना बिल्कुल मत भूलना। ये कान्हा जी उठ गए, दोनों छोटे छोटे से, देखो कितने प्यारे हैं। और अब मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा पानी ले लिया, और ये ले ली थायराइड की दवाई। भी उबल चुका था और मखाने भी अच्छी तरह से पक चुके थे, तो मैंने गैस कर दी बंद और मैंने अब दूध को रख दिया खाट पे कमरे में कूलर के सामने, क्योंकि जल्दी से ठंडा हो जाएगा, पीने के लायक हो जाएगा। और देखो ये कपड़े धोए थे ऐसे कैसे रखे हैं, ये देखो शाम की बासी रोटियां रखी थी जिसपे लाल चीटी आ गई है बहुत ज़्यादा। और अब मैंने ले ली थी सब्जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च। तो मैंने सब्जी धो के रेडी कर ली, चाकू ले लिए और एक प्लेट ले ली छिलके के लिए। और अब मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि पानी गर्म करना था। कितना ही जल्दी क्यों ना उठ ले और कितना ही काम समेट ले, वही 10-11 तो बज ही जाते हैं। जो भी सामान बारिश के डर से अंदर रखा था वो अब सारा बाहर पहुंचाती हूँ और जल्दी जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। पहले झाड़ू की शुरुआत मैंने बाहर से ही कर दी। छोटा सा ही घर है और उसी को साफ सुथरा रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। कई जगह तो बिल्कुल गंदी हो चुकी हैं, लेकिन टाइम नहीं लग पाता मुझे। और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि 15 दिन से मेरा गला ख़राब है। पहले तो बिल्कुल ही डाउन हो चुका था एक बार, तो अब थोड़ा सा ठीक है। और जो वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, उसके लिए थोड़ा बहुत आवाज़ निकाल पाती हूँ, वरना तो आवाज़ बेकार ही आती है। ये बच्चों के लिए दूध डाल दिया था,
दो दिया दीक्षा के लिए, एक मैंने अपने लिए रखा और एक छोटू वाला कान्हा जी के लिए। ये दीक्षा उठ चुकी थी लेकिन आग अभी भी नहीं खोली थी और ये दिया उठ चुकी है। दोनों बच्चे दूध पीने लग गए और मैंने ले लिया कान्हा जी का दूध। अब कान्हा जी को भी पिला दूँ, काफ़ी देर से बैठे हैं और छोटे से बच्चे ही तो हैं, भूख तो लग ही गई होगी। ये देखो मोहनलाल तो पहले ही भाग लिए क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। चलो चलो दूध पिलाई देती हूँ। ये मैंने अपने लिए भी दूध ले लिया था क्योंकि कई दिन से मैंने दूध नहीं पिया था, और ये ले ली मैंने सेल्फी स्टिक। इस पे कितनी धूल मिट्टी जम गई है, काफ़ी दिनों से पड़ी थी। तो अब कर लेती हूँ सब्जी काटने की तैयारी क्योंकि सब्जी सिर्फ धो के ही रखी थी। अब ना मैं काम करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ लेकिन कोई भी काम है ना हुआ मिलता ही नहीं, सारे काम वहीं के वहीं रखे रहते हैं। अब दिया ने कर दी अपने नहाने की तैयारी, दूध पी लिया था और मैंने इनकी सब्जी बनाने की तैयारी कर ली। दिया और राघव तो खाना लेके जाएंगे, आज सैटरडे है, लेकिन दीक्षा आज लंच नहीं लेके जाएगी। ये तेल गर्म हो चुका था, प्याज मैंने काट लिए थे और ये प्याज मैंने डाल भी दिए थे, टमाटर और मिर्च मैंने अभी काटी नहीं थी। तो प्याज देखो कितनी तेज़ी से भुनने लगे हैं क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका था। दिया तो नहा चुकी थी तो दीक्षा ने भी अपना पानी डालना शुरू कर दिया, और ये प्याज तो हो चुके थे, टमाटर अभी पकने बाकी थे। जब तक टमाटर नहीं गल जाते ना पूरी तरह से, मैं सब्ज़ी नहीं डालती उसमें, फिर ना मोटे मोटे से मुँह में आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छे से भुन रहे हैं इसीलिए मैं थोड़ी देर इन्हें ढक देती हूँ। और ये देखो आटा बिल्कुल ख़त्म होने पे है, आटा भी पीसना पड़ेगा। लो मैं आटा छानने लग गई रोटियां सेकने के लिए। बज चुके हैं 7, तो 1 ही घंटा हुआ है मुझे उठे हुए, तो थोड़ा सा टाइम था। तो अब मैं निकालने लगी झाड़ू। यह है किचन, तो किचन तो छोटा सा ही है तो इसमें से झाड़ू निकाल दी, और किचन के सामने जो कमरा है मैं अब उसमें से झाड़ू निकाल रही हूँ। दोनों ये साफ़ हो जाएंगे तो फिर चाहे कोई भी आ जाए, और साफ़ सुथरा भी लगेगा झाड़ू निकलते ही, चाहे पोछा थोड़ी लेट लगा लूँ। तो अब मैं झाड़ू लगा रही थी। अब झाड़ू तो हो चुकी थी, मैंने ले लिए 2 केले। तो 2 केले का मैं बनाती हूँ सुबह जूस राघव के लिए। तो मैंने कर दी जूस की तैयारी। मिक्सी का जार था जो मैंने उतार लिया था ऊपर से, और देखो आटा भी ना पड़ा है ऐसे ही, और थोड़े बहुत बर्तन भी हो चुके हैं, इन्हें देखेंगे बाद में। सबसे पहले बना लेती हूँ मैं जूस। तो जूस के लिए मैंने केले छील दिए थे, थोड़ी चीनी डाल देती हूँ और थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, और लो जूस हो जाएगा रेडी। कितना इजी है इसे बनाना। और आप केले के जूस में क्या क्या डालते हैं ये भी मुझे बताना, मैं तो सिर्फ यही चीज़ डालती हूँ। और ये जूस अच्छा भी लगता है, बच्चे खुश होकर पीते हैं। मैं तो कभी नहीं पीती हूँ केले का जूस, लेकिन बच्चे पी लेते हैं, मैं सिर्फ मैंगो का जूस ही पीती हूँ। और अब आ गए थे राघव के पापा जिम से, और मैंने बोला ब्लॉगिंग चल रही है तो हाय बोल रहे हैं आप सबको, हेलो गाइज। ये देखो बॉडी सोडी दिखा रहे हैं, फुल तैयारी है। और ये राघव भी आ गया था, देखो गाना गाता आ रहा है, इसके ना 1 मिनट भी ना सॉन्ग नहीं रुकते। और अब मैंने कर दी थी आटे की तैयारी, तो थोड़ी सी चाय बना के दादा को दी थी, ये इनके दादाजी। और राघव चला गया था नीचे लस्सी लेने, और नीचे ही खेल रहा है बॉल। दिया दीक्षा दोनों रेडी हो चुकी थी और मैंने उनकी रोटी बनाने के लिए तवा रख दिया था। ये दिया दीक्षा दोनों रेडी हो चुकी है, और दिया को लेना था कुछ रास्ते से सामान, तो दिया निकल ली पहले और दीक्षा भी जा चुकी थी। राघव अभी नहा के आया है, वो आज ताजे पानी में नहा के आया है नीचे चला के। मैं लग गई थी किचन में रोटियां सेकने, राघव की रोटी देनी बाकी थी, दिया ले चुकी थी और राघव भी रेडी हो चुका था। तो मैंने सोचा दादा के लिए नीचे खाना लेके जाएगा, और मैंने उसे दे दिया लस्सी सब्जी रोटियां, तीनों चीज़ मैंने दे दी। तीनों बच्चे जा चुके हैं और कमरे की हालत देखो क्या मचा के गए हैं। ये हमारा रूम और ये हस्बैंड की मैंने रोटियाँ लंच रेडी कर दी थी, ये उनकी ड्रेस शूज बनियान सारी चीज़ रखी हुई हैं। थोड़ी सी रोटियाँ बना ली थी, थोड़ी और बाकी हैं। ये लो हस्बैंड बाकी थे, वो भी अपनी ड्यूटी के लिए निकल लिए हंसते हुए। और अब आ गई थी मेरे पास चाची,
और चाची भी चली गई थी, तो थोड़ा किचन में काम बाकी था, बर्तन बाकी थे, गैस भी साफ करनी बाकी थी, तो वो सफाई मैं कर रही हूँ। और कान्हा जी का स्नान बाकी था, तो कान्हा जी को भी नहला देते हैं। कान्हा जी भी नहा के रेडी हो चुके हैं और बैठ गए हैं नहा धो के। और अब मैं कह रही हूँ धर्मराज की कहानी। एक साल तक मैंने नियम लिया है कि मैं हर रोज़ धर्मराज की कहानी कहूँगी, तो आप अगर किसी दिन बोलोगे तो मैं ये कहानी आपको भी सुना दूँगी। और अब हो चुका है शाम का समय, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, ट्यूशन से, और यह दिया हंस रही है और अब करवा रही है घर का काम। मैंने बोला राघव को आने के लिए ब्लॉक में, वो भाग गया। और दीक्षा को दे दिए थे मैंने बर्तन कि तू अपने बर्तन साफ कर। और ये हमारा सिल्वर प्ले बटन। शाम का समय हो चुका था तो जोत बत्ती का तो टाइम हो ही गया था, तो दिया लगा रही है खुश होके जोत, क्योंकि आज ब्लॉक बन रहा है तो ब्लॉक के लिए भी ये सारा काम कर रही है। मम्मी मेरा ब्लॉक बना, मुझे ब्लॉक में लो। तो अब देखो भागी भागी गई है कूलर में पानी डालने के लिए। और अब लगा रही है दिया, एक आधे कपड़े को प्रेस। और मैंने कर दी थी शाम के खाने की तैयारी, तो मैंने बनाए हैं नमकीन चावल। तो उसके लिए मैंने प्याज तो काट लिए थे, लेकिन टमाटर नहीं काटे थे, ना ही मिर्च काटी थी। और मैं शाम को जोत लगाने जा रही हूँ अब, क्योंकि आज था शनिवार, तो शाम को जोत लगाती हूँ। चावल बन चुके थे तो मैं दादाजी के लिए डाल के गई थी कि उनको चावल और उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल के दे देना। खाना पीना हमने भी कर लिया था। तो ये था जी आज का लंबा सा ब्लॉग। आपको ब्लॉग कैसा लगा? हस्बैंड आ चुके थे और अब करते हैं हम सोने की तैयारी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे।